जिंदगी गुजर गई छीनड़े टाकते टाकते। के बाद तो हो ही जाओगे मुर्दे। यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो, ये रस्सी में गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है, तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो, क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह क्या दोस्ती का इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। बोल चलेगी? अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। क्या है, मैं फेंकता हूँ बहुत। अच्छा बड़ा आदमी हूँ ना। हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूं, जो भी एंड फंक्शन पका करूं, जो भी बात किया करूं, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी? कैंसर? अरे मुबारक हो, उठो। चलो उठो मियां। दोस्त ये मेरा घर है, आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे। बड़ा शानदार घर है, ऐसा घर हमने अपने बचपने में बाइस्कोप में देखा था। क्या यार, ये घर मैंने अपनी जवानी में बनाया है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने बचपने में देखा था? अम्मा ठोकने की भी कोई हद होती है मियाँ? नहीं वैसे कुछ हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, ये तो खाना नहीं खाया ना तो भूखमरी की वजह से ऐसी हालत हो गई है। अरे क्या करें? आओ सीधे चलो, सीधे सीधे। बाबूलाल हरीश।
शेर जी। जी मालिक। आया मालिक। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त आए, इनकी खातिर करो। खाना तैयार है? खाना तैयार है जी। हाँ दो हो गए। खाने से पहले एक बैग लार्ज स्मॉल। नहीं नहीं मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। नहीं पीना। नहीं नहीं मैं नहीं। खाना खाना। अच्छा। आया आया मालिक। इस तरफ। किधर? इस तरफ आइए। आ जाओ मेरे गरीब दोस्त, इधर से आ जाओ। आ जाओ इधर से। नहीं मेरे दोस्त हो ना, कूदो। नहीं मैं वहां से आता हूँ ना। पपी ले लो। नहीं पपी नहीं, मैं आता हूँ। पपी नहीं, इतनी पपी तो मेरी माँ ने भी नहीं ली थी। चलो ये चिकन, ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। चिकन मीठा हो गया। दाल भी होगी? दाल एक मिनट, ये रसमलाई के चम्मच में दाल पियो, बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। अंडा खाओगे? वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़ दो। चिकन छोड़ चिकन अच्छा है। नहीं अंडा खाओ। ये चाटो केक। अभी जूस पियो, जूस पियो। अभी एक मिनट, एक मिनट चिकन लूं। एक मिनट, एक मिनट। ये टेबल मैनर्स बोलते हैं इसको। चिकन खाऊं? नूडल्स, यू मस्ट हैव नूडल्स। ये घास? घास नहीं है वो, नूडल्स। मेरे गरीब दोस्त तू नूडल्स ले। खराब है? खराब है, थोड़ा और खा। टेस्ट डेवलप करो, टेस्ट डेवलप करो। रोटी ये इसको उठा खा, उठा खा, ऐसा उठा उठा के खाओ। बरसात के केचुए लग रहे हैं। केला है? ये खाना हजम होने के लिए केला। ये एक मिनट, मैं थोड़ा और देना खाने। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो जाएगा सवेरे सवेरे। मेरे गरीब दोस्त ये कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। बस भर गया? ना नहीं नहीं कसम से ना। ईमान से भर गया? ना भर गया। हाँ भर गया। क्या कहाँ? मेरे कमरे में मेरे दोस्त। मैं जाता हूँ ना मेरे घर। हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ आप सोएंगे। आपने आइए हमारी ऊपर से जाऊं? ये जान बचाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आओ हम यहाँ सोएंगे। यहाँ सोएंगे। यहाँ कहाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ऊंची जगह पे सुलाऊं। नहीं नहीं वहां से हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये जगह अच्छी, हम यहीं सो जाते हैं। यहाँ सो जाते हैं ना। कपड़े उतारो। नहीं नहीं क्या करें, ढंग के कपड़े पहन के सो मेरे भाई। ओ नहीं उसमें हमें नींद नहीं आएगी। दरअसल क्या है, हम अपने चमड़े में जीते हैं और अपने कपड़े में सोते हैं। निहायत ही खुददार, नमक हलाल और लावारिस टाइप के आदमी हो मेरे दोस्त। चलो सो जाओ मिस्टर नटवर लाल, जब सवेरे उठोगे तो मुकद्दर के सिकंदर बन के उठना। गुड नाइट, शब खैर। आप कहाँ सो रहे हैं? तेरे कदमों में मेरे यार। तो शब खैर। केपी की जान बचाइए कोई। चलो सो जाओ।
अरे बाप रे, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है यार? हवा यार, मैं नीचे किस हो गया? ये बदबू क्यों आ रही है बिस्तर में से? अरे किसने? कौन है भिखारी टाइप आदमी? सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे। हमारे दोस्त और ये? यस सर। निकालो इसको, बाहर निकालो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? चलो बाहर निकलो। रात को जब नशे में था मुझे चाट रहे थे, अभी होश में आते मुझे डांट रहे हो। वाह क्या बकवास कर रहे हो, चाट रहे थे? अरे मैं बाहर निकालो इसको, मैंने आपकी जान बचाई है। भाई निकालो इसको। अरे क्या तमीज है, बेवड़ा आदमी मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लेता है। चलो निकालो। आदमी है साले। Hey.